हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एलपीजी गैस की जो सब्सिडी है वो कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों काफी समय से जो है वो सभी गैसों की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा था, अब जो है वो कि स्टार्ट हो गया है। तो आपका स्टार्ट हुआ है या नहीं स्टार्ट हुआ है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही में हमारे चैनल पर पहली आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में सर्च करना है माई एलपीजी। जैसे यहां पे मैं यहां पे सर्च कर देता हूं माई एलपीजी। दोस्तों माई एलपीजी सर्च करते हैं, यहां पे जो सबसे पहला वाला वेबसाइट मिलेगा www.myLPG.in, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ होम इंटरफेस कुछ इस टाइप से मिलेगा। दोस्तों यहां पे आप जिस भी गैस के उपभोक्ता हो, चाहे वो भारत गैस हो, चाहे एचपी गैस हो, चाहे वो इंडियन गैस हो, जिसके भी आप उपभोक्ता है आपको उस पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं इंडियन गैस का बताने वाला हूं तो मैं यहां पे इंडियन पे क्लिक कर देता हूं। इंडियन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ नया इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों एक नया टैब ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एलपीजी पे क्लिक कर देना है। एलपीजी पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा सब्सिडी रिलेटेड पहल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको सब्सिडी नॉट रिसीव्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहां पे या तो जो आपके इंडियन गैस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको यहां पे टाइप कर देंगे या तो आप अपनी एलपीजी आईडी यहां पे टाइप कर देंगे। दोस्तों दोनों में कोई एक ही टाइप करना है और टाइप करने के बाद से आपको यहां पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दे दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे आपको ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जो कि किसके नाम से अकाउंट है, किसके नाम से ये गैस कनेक्शन है, उनका पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा एड्रेस सहित। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी दिनों से जो है कि सब्सिडी जो है वो नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ पे जनवरी का है, यहाँ पे ये भी जनवरी का है, मार्च का है, एक और मार्च की बुकिंग है, तो यहाँ पे सब्सिडी जो अमाउंट है यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे खाते में भी नहीं आ रहा है। जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5/4/2022 को जो मैंने गैस की बुकिंग की है, जो ऑर्डर किया है, उसका जो सब्सिडी है 65 रुपए 71 पैसे, वो हमारे अकाउंट में 10 मई 2022 को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आपकी सब्सिडी अगर नहीं आ रही है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको इस वाले बॉक्स में ट्रिक करना है और ट्रिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको लिख देना है कि मेरा सब्सिडी नहीं आ रहा है और आपको यहां पे एडेड अटैचमेंट पे आपको अपने पासबुक का जिस भी खाते में आता है उसका एक फाइल जो है अटैच कर देना है और यहां पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो आपकी कंप्लेन है वो दर्ज हो जाएगी और आपकी भी सब्सिडी आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।